Chitamrakar from Bharati College of Engineering and Technology. I am taking Engineering Graphics, Engineering Drawing in Diploma Polytechnic. Today's topic is CAD. So CAD, that is Computer Aided Drafting Drafting means computer is used for making drawings. Then what is the benefits of computer? You know, it can store large data, बहुत सारे data store कर सकता है. जब जरूरत हो आप उसको edit कर सकते हैं, proper edit करके उसको लोग फिर से नया बना सकते हैं. फिर AutoCAD में आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं. वो सॉफ्टवेयर जो है वो कई बार कॉस्टली होते हैं. उसके हिसाब से आपको कंप्यूटर का सिस्टम अच्छी कैटेगरी का, हाई कैटेगरी का लेना पड़ता है जो सॉफ्टवेयर को चला सके. कंप्यूटर में वर्क करना करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है. ठीक है, तो ये कैड जो होता है कंप्यूटर में, इसके पॉजिटिव बता रहा हूँ आपको पहले. Benefits of CAD computer drafting is large storage means आप यहाँ पे बहुत सारे डाटा, बहुत सारे ड्राइंग्स बना के इकट्ठे करके रख सकते हैं. Then easy editing. एडिटिंग, यदि आपको एक ड्राइंग कागज पर बना लिया है और उसमें यदि किसी तरह की दिक्कत हो तो आपको वो ड्राइंग फिर से नए कागज पे, फिर से नए ड्राइंग शीट पे फिर से बनाना पड़ता है. जबकि यहाँ पर आपके साथ में ऐसा है कि कंप्यूटर में आपने बनाया, आपने अपने बॉस को दिखाया, उन्होंने बोला कि भाई इस पार्ट को चेंज कर दीजिए, उस पार्ट को आप कंप्यूटर सिस्टम में जाके फिर से चेंज कर सकते हैं और जल्दी हो जाता है ये काम. एडिटिंग जल्दी हो जाता है, उससे आपको बाकी काम करने के लिए और भी समय मिल जाता है, इजी एडिटिंग हो जाता है. देन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ड्राइंग, बेटर विजुअलाइजेशन, बेटर विजुअलाइजेशन, सो इम्प्रूव क्वालिटी एंड इजी ट्रांसफर ट्रांसफर सो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ड्रॉइंग. हियर वी कैन मेक द ड्रॉइंग्स विद प्रॉपर एक्यूरेसी so the quality of drawing is improved, digital showing that, then better visualization after making a drawing. It is easy for the checker to see in the computer, and larger or smaller view both can be checked on the computer. So better visualization and easy transfer. If any file is created in computer, then that can be transferred on paper by printer or by scanner or by internet also it can be transferred to anywhere in the world. So यहाँ पे आपको computer use करने से large storage, बहुत सारे आप इसे store कर सकते हैं. Easy editing, तो आपको जो भी आपको कुछ change करना है तो आप उसको change कर सकते हैं आसानी से. और जो ड्राइंग की क्वालिटी, आप कंप्यूटर बनाना है तो वो ड्राइंग की क्वालिटी हाथ में बनाने में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, इसमें एग्जैक्ट रहेगा, एक्यूरेसी इसकी अच्छी रहेगी एंड बेटर विजुअलाइजेशन, जो आपने बनाया है वो अच्छे से अच्छा दिखेगा. देन इजी ट्रांसफर, आप चाहे आप उसको चाहे प्लॉटर से ड्राइंग शीट पे प्लॉट निकालना हो, आपको उसको प्रिंट निकालना हो, या आपको इसको ट्रांसफर करना हो पेन ड्राइव से, इंटरनेट से, आप कहीं भी इनको आप ट्रांसफर कर. Next is limitations of CAD.
limitations. First, computer is required. Computer is required. Costly. We can draw any figure on the drawing sheet is easier than this computer is required for this type of some different software, important softwares are also used that are also making cost. Cost of software. This is also costly. That is AutoCAD or any other software, CATIA, PROE are costly software. So this cost again increase. Then next is cost of software. Then next is skilled person required. Skilled operator required for using this CAD software. Skill software who will get training from the this software, using this software can draw the diagram on the computer CAD. So it is one of the limitations. This CAD system requires different software like AutoCAD, PROE, CATIA, CorelDRAW, etc. These are the different softwares that are used in the CAD computer system. ये सॉफ्टवेयर इसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं कि उसमें ड्राइंग अच्छे से बना सके, बिल्डिंग्स के ड्राइंग, मशीन्स के ड्राइंग ये बहुत अच्छे से बना सके और उनकी एडिटिंग फास्ट हो सके। स्टोरेज कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होता है, वैसा आप स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करके रखने से आपको फ़ायदा होता है, यदि आपको उसी तरह का वर्क फिर से करना हो तो आप उस फाइल को उठाते हैं और जो उसमें चेंजेस करने होते हैं वो चेंज करके आप वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका AutoCAD के डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर से, ये सॉफ्टवेयर हमको सीखने पड़ते हैं। नेक्स्ट AutoCAD कमांड्स, डिफरेंट कमांड्स आर यूज्ड इन AutoCAD लाइक लाइन। दिस लाइन कमांड इज यूज टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। If two points are there, point A and B, and we have to draw a line, then we can use this line command. If the coordinates of here are 0, 0, and the coordinates of here are 4, 4, then by using the line command, we can draw line from point A to point B to draw a line. Okay, from one point to another point. Then line command is used to draw a line. Then next is P line command. This P line command is used to draw polylines. Number of lines can be drawn one after the other. Then this command is used to draw the polyline command. Then next is arc command. Arc command is used to draw the arc. This arc command can be used by three types: when the starting point, ending point, and the radius is given. This type can be drawn. This arc is given: starting point and ending point. Three points are used to drawing an arc. Then sometimes this may done with the help of if the starting point and radius only given and the end point we may shift. तो ये point दोनों को बन के shift भी कर सकते हैं, ऐसा भी draw कर सकते हैं। तो different type के arc draw करने के ये command होते हैं, जैसे हम यहाँ पे arc ऐसा curve वक्र
बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है पॉलीगॉन कमांड, नेक्स्ट इज पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पॉलीगॉन इन पॉलीगॉन वी कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ साइज पॉलीगॉन इन द सर्कल एंड वी कैन ड्रॉ स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, एनीथिंग कैन बी ड्रॉ इन साइड दिस सर्कल। सो दिस इज पॉलीगॉन कमांड, वी कैन ड्रॉ पेंटागन, हेक्सागन और pentagon, hexagon, any type of number of sides are there, we can draw with the help of this polygon command. Command is circle. This command is used to draw a circle. For drawing a circle, we have number of methods. If the center point is given and radius is given, center point is 0, 0, and if radius is given, then we can draw a circle. Then some other methods are also there. A circle passing through three points, this type of method is also there, circle passing through three points. Then sometimes a circle can be drawn with the help of center and diameter. This is center is given and diameter is given. This type of circle can also be drawn. If the two tangent lines are given, then we can draw number of circles inside these two tangent lines. Different methods are there to draw the circle. Then next is ellipse. This method is used to draw the ellipse. In ellipse, the major axis and minor axis are important. This one is major axis, this one is minor axis. According to this, major axis, minor axis is given. So we can draw this ellipse either in this condition or in this condition. Major axis is given longer this side and minor axis is given like this. This is major axis. This is major axis, this is minor axis. Minor axis. तो ऐसा आप इसको बना सकते हैं जब आपको major axis और minor axis दोनों दिया हुआ हो, इस condition में या इस condition में बना सकते हैं इसको हम लोग। Next is donut. Next donut होता है, donut में ये एक सर्कल वृत्त होता है, इसके अंदर एक और सर्कल ऐसा बना है, ये बड़े वाले सर्कल के पास से ये अंदर वाले सर्कल को काट के निकाल देते हैं, तो ये वाला भाग जो बचा हुआ है इसको डोनट बोलते हैं। ऐसा डोनट भी बना सकते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, वहां से दूसरे सर्कल को काट के निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं डोनट, इसको बोलते हैं डोनट। देन हैचिंग नेक्स्ट होता है, यदि आपको कोई भी एरिया गिवन है और उसमें आपको हैचिंग बनाना है, डिफरेंट टाइप के हैचिंग्स होते हैं, ये हैचिंग ऐसा बना सकते हैं। इसमें बहुत टाइप के आपको मिलेंगे, जैसे दीवार बना रहे हैं तो दीवार में दीवार टाइप का भी भर सकते हैं, जैसे इनके 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 टाइप का बना सकते हैं, ऐसा हैचिंग डिफरेंट टाइप के किए जा सकते हैं। ऐसा ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैचिंग पैटर्न दिए रहते हैं, जिनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें तो ये फटाफट ये वर्क हो जाता है। ये ऐसे डिफरेंट टाइप के हैचिंग्स किए जा सकते हैं। देन इसके बाद ये ड्राइंग कमांड के बाद नेक्स्ट आते हैं आपके एडिटिंग कमांड। तो एडिटिंग कमांड के अंदर आपको बता रहा हूँ, एडिटिंग कमांड के अंदर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, मिरर। The first command is move command. Move command. This command is used to move
any of the object from one place to another, यहाँ जैसे जाते हैं कोई ड्राइंग बनाया हुआ है और इसको आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा मूव कमांड से। आप ये पूरा इसको सेलेक्ट कर देंगे मूव कमांड में, ये ऐसा आप पूरा सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये पूरा डॉटेड हो जाएगा, ये ऐसा पूरा डॉटेड हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा और इसको आप जहां भी चाहे आप इसको उठा के शिफ्ट कर सकते हैं। मूव कमांड इसीलिए यूज होता है, मूव कमांड आपको ये ऐसा मूव कमांड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इसी के अंदर है ना, यहां से आपने इसको कट कर लिया और यहां शिफ्ट कर लिया, जहां भी आप चाहे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं मूव कमांड। देन नेक्स्ट इज रोटेट कमांड। रोटेट कमांड ये सारे कमांड एडिटिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रोटेट कमांड में आप देखिए, यदि आपको इस तरह से कोई आपको ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऐसा और आपको लग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को आपको ऐसा नहीं कोई और तरीके से करना है तो आप रोटेट कमांड यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेस पॉइंट को आपको बताना पड़ता है, उस बेस पॉइंट के थ्रू आप इसको घुमा सकते हैं। जैसे ही बेस पॉइंट बताया आपने तो इसको फिर ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया इसको इसी बेस पॉइंट के लिए, या आप इसको चाहें तो ऐसा भी घुमा दिया, आपके ऊपर है। आपको जैसा इसको सेट करना चाहें ऐसा इसको आप घुमा के सेट कर सकते हैं। दिस कमांड इज कॉल्ड रोटेट कमांड। एडिट कमांड में नेक्स्ट है आपका कॉपी कमांड। कॉपी दिस कमांड इज यूज टू कॉपी एनी टाइप ऑफ फिगर। वैसा ये फिगर मान लो बना हुआ है, इसको आपको कॉपी करना है तो इसको आप ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको कॉपी होने के बाद ये भी आपको डिजाइन ऐसा कट 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 पे दिखेगा और इसको आप जहां भी चाहे जितने भी बार चाहे ऐसा पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कमांड को एक बार कॉपी हो गया आपको, आप जितने जगह चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं एक ही चीज को बना बना के, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पेस्ट कमांड। पेस्ट दिस कमांड इज आल्सो एसोसिएटेड विद द कॉपी कमांड। ये भी कॉपी के साथ में जुड़ा हुआ कमांड है। ये आपने कॉपी बटन दबा के ये किया, उसके बाद पेस्ट बटन दबाने पे आपको ये सारे फिगर जितने भी बार चाहे आप बना सकते हैं इन फिगर्स को, ठीक है। ये ऐसा कट कॉपी पेस्ट। देन नेक्स्ट इज मिरर। फोर्थ इज मिरर कमांड। मिरर कमांड ये सब हम जब ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं तब हमको इनकी जरूरत पड़ती है। मिरर कमांड में देखिए, मान लो आपको ये ऐसा डिजाइन वॉश वगैरह कुछ बताया हुआ है, ऐसा ये डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिरर यूज करेंगे, इस लाइन पे मिरर कमांड यूज करेंगे तो इसका अपोजिट मिरर व्यू हमको यहाँ पे ऐसा बन के मिल जाएगा। ये देखिए, ये मिरर कमांड यूज करने से ये सेकेंड पार्ट आपका अपने आप बन के आपको। इरेज कमांड। दिस कमांड इज यूज टू इरेज एनीथिंग व्हाट वी हैव क्रिएटेड हियर। इसको इरेज करना है तो इसको बॉक्स में आप कंप्लीट कर देंगे, बॉक्स से सेलेक्ट कर लेंगे एंड इरेज कमांड दबाएंगे, ये आपका गायब हो जाएगा इरेज कमांड। देन नेक्स्ट इज ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड ये ट्रिम कमांड यूज होता है आपको, जैसे कि आपको कोई ड्राइंग बना रहे हैं आप, ये जैसा आप एक लाइन बना हुआ है बॉर्डर, यहाँ से आप कुछ लाइन्स बना रहे हैं, ठीक है, और ये इसे आगे चले गए, इन लाइन्स को ये बड़े हुए लाइन्स में हमको मिटाना है तब ये ट्रिम कमांड को यूज करते हैं। आप ये पूरे को सेलेक्ट कर देते हैं, पूरे को सेलेक्ट कर देते हैं और जिस लाइन के आगे आपको मिटाना है उस लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद का ये आइटम जो है ये पूरा एक्सटेंडेड जो है वो पूरा मिट जाएगा बाय यूजिंग दिस ट्रिम कमांड। ये ऐसा आप सेलेक्ट करेंगे तो ये मिट जाएगा इस लाइन के आगे का।
ऐसा ही होता है ट्रेन कमांड। देन नेक्स्ट इसी में और होता है एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड एक्सटेंड कमांड। ये एक्सटेंड कमांड में देखिए जैसे आप ये कुछ लाइन बना रहे हैं, फिर कुछ लाइन बनाया, फिर कुछ बनाया, यदि आपका पुराना बना हुआ कोई ड्राइंग है या कुछ लाइन आपने बना लिए हुए हैं और आपको ये वाला लाइन यदि आपको एक्सटेंड करना है, यहाँ तक मिलाना है, तो आप एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे। एक्सटेंड कमांड में ये जैसा आप सेलेक्ट कर लें इसको, ये सेलेक्ट कर दिया आपने और उसके बाद कहाँ तक बढ़ाना है तो यहाँ तक बढ़ाना है, इसको भी आपने सेलेक्ट कर दिया, तो ये वाला ड्राइंग जो है ऐसा ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटेंड कमांड होता है, इरेज कमांड, ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड। तो कई बार ये इनके आपको डिफरेंसेस भी पूछता है क्वेश्चन में कि भाई डिफरेंस बिटवीन ट्रिम एंड एक्सटेंड, ये भी पूछता है कई बार एग्जाम में ना, कि आपको जो एक तरह के सारे कमांड है उनके बीच में डिफरेंस भी पूछता है, लाइक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ट्रिम, ये ट्रिम कमांड को बताइए, वर्सेस एक्सटेंड, एक्सटेंड कमांड। ठीक है, ऐसा पूछता है सर्कल वर्सेस रूनर, सर्कल रूनर इसमें डिफरेंस पूछता है। वैसे ही आपको पूछता है कॉपी एंड मिरर, मिरर ये कमांड पे डिफरेंस पूछता है। तो यदि सभी चीजें हमने डिस्कस की हुई है, आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए ये दोनों को। मेन बात ये है कि ये सारा आपको थ्योरेटिकल ड्राइंग शीट में लिखना पड़ता है, आपको भी कंप्यूटर में बना के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इनको थ्योरेटिकल एंसर शीट में, ड्राइंग शीट में या एंसर कॉपी में लिखना पड़ेगा और आपको ये खाली याद करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा, ट्रिम हो गया, सर्कल हो गया, कॉपी हो गया, मिरर हो गया, देन लाइन एंड पी लाइन, लाइन पी लाइन, लाइन इज यूज फॉर मेकिंग वन लाइन एंड पी लाइन इज यूज फॉर मेकिंग पॉली लाइन्स। ऐसे ये सारे डिफरेंस हैं, और भी डिफरेंसेस आप करिएगा और इसके कुछ क्वेश्चन अभी हम और करेंगे।